जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। आज का रामायण पाठ संग वेद पुर भरत दीख जब बेसने सब अंगल शीथिल तब सोहत दिए निषाद ही लागू जन तनु धरे बिने अनुरागु। भरत जी ने जब श्रृंग बेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शीतल हो गए, वह निषाद को लाग दिए ऐसा शोभा दे रहे हैं मानो बिने और प्रेम शरीर धारण किए हुए हैं। यही विधि भरत से नू सब संगा दिख जाए जग पावनी गंगा राम घाट कामु भाव मनु मगनु मिले जनु राम। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए, श्री राम घाट को प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मगन हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करी प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्म में बारी निहारी करी मजनू मागी कर जोरी रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही बार मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कामना हो। भरत कहू सुर सरी तब रेनु सकल सुखद सेवक सुर देनु जोरी पानी बर मागहू एहू सीए राम पद सहज स्नेहू। भरत जी ने कहा हे गंगे, आपकी दाई सबको सुख देने वाली तरह सेवक के लिए तो काम देनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। यही विधि मजनु बर तू करी गुर अनुशासन पाई मातु नहानी जानी सब डेरा चले लवाई सियावर राम जय श्री राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी मेरे प्रभु राम जय श्री राम। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा ये जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं डेरा उठाकर ले चले। जहाँ तहाँ लोग न डेरा कीना भरत सोधु सभी ही कर लीना सुसेवा करी आयु सिपाही राम मातु बही गेर हुआई। लोगों ने यहाँ तहाँ डेरा डाल दिया, भरत जी ने सभी का पता लगाया, फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चाप कही कही मृदुवानी जननी सकल भरत सनमानी भाई सोंपी मातु सेवकाई आप निषाद ही लीन बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कह कर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप कर अपने निषाद आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे शीतल शरीर उसने ना थोरे पूछत सखी सो ठाऊं दिखाऊ नेकु नैन मन जननी जुड़ाऊ। सखा निषादा जी के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहाँ सिए राम लखनु निसी सोए कहत बरे जल लोचन कोए भरत बचन सुनी बेउन विषादु तुरत तहाँ ले गई निषादु। जहाँ सीता जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ, वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया। जहाँ सिंह सुपा पुनीत तरे रघुबर किए विश्राम अति सने सादर भरत कीन हुंडंड पर नाम सियावर राम जय श्री राम मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी मेरे प्रभु राम जय श्री राम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से अदब दंडवत प्रणाम किया। कुश सांत निहारि सुहाई कीन प्रणाम प्रदर्शन जाई चरण रेख रज आंखिन जलाई बनी न कहत प्रीति अधिकाई
कुशों की सुंदर साथी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय की प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे राखे शीश सिए सम लेके सजल बिलोचन हृदय गलानी कहत सगासन वचन सुबानी। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु देखे तो उनको सीता जी के समान समय का सिर पर रख लिया। उनके नेत्र जल से भरे हैं और हृदय में गलानी भरी है। वह सखा से सुंदर वाणी में जे वचन बोले। श्रीहत सीए बिरें दुति हीना जता अवद नर नार बिलीना पिता जनक देऊ पट तर के ही करतल भोगु जोगु जग जेही। जे स्वर्ण के कन जा तारे भी सीता जी के विधाय से ऐसे शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं इस जगत में भोग और जोग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूँ। ससुर बानु कुल बानु बिबुआलू जही सिहात अमरा बत्ती पालू प्राण नाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़े होत सो राम बढ़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुति मनीषी ये सांथरी देखी बिहरत हृदय न हरी हर पवित कठिन विशेष सिया वर राम जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी दबु सुदशरथ अजर बिहारी मेरे प्रभु राम जय श्री राम। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी देखकर मेरा हृदय दहलकर फट नहीं जाता। हे शंकर ये वज्र से भी अधिक कठोर है। बोल सिया पति राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राम।